हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाऊंगा एंड्राइड स्टूडियो में जब भी आप कोई भी लेआउट का डिजाइनिंग कर रहे हो, यदि उसमें आपको कोई भी एट्रीब्यूट यूज करना हो तो आप कैसे बहुत ही जल्दी से फाइंड कर पाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट लेआउट यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने इमेज व्यू लिया है। मुझे मान लीजिए इसके अंदर पैडिंग मार्जिन कुछ भी लेना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर डिजाइनिंग करते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या करना है, पैडिंग देना हो तो पैडिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, पूरा यहाँ सर्च करेंगे पैडिंग कहाँ है, ठीक है। इसे आप देखिए, आप स्केल टाइप यहाँ देख रहे हैं कि बैकग्राउंड सब दिया, बैकग्राउंड स्केल टाइप एडिजन स्क्रब, फिर यहाँ पे देखिए अल्फा बैकग्राउंड, इस तरह पूरा सर्च करेंगे, फिर सर्कुलर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एलिवेशन सब दिया है, ये सब सारे एट्रीब्यूट है, ठीक है, एंड्राइड के। इसमें मान लीजिए हमको पैडिंग ही सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, और यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम एक्टिविटी, और यहाँ बहुत सारे तरीके हैं सर्च करने के, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे। मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए मार्जिन लगाना, तो मार्जिन कैसे लगाएंगे, तो मार्जिन यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, इस मान लीजिए आपने यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या किया, मार्जिन दे दिया मान लीजिए 5 dB का, ठीक है, यहाँ 5 dB दे, यहाँ अब यहाँ सर्च कर रहे हैं आप, एक और तरीका यहाँ जो मतलब बहुत आसानी से इसको फर्च कर पाएंगे आप, वो तरीका यह है, यहाँ अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, जिस पर भी लगाना है मार्जिन या पैडिंग, इस मान लीजिए इस इमेज में मुझे क्या करना है, पैडिंग लगाना है 5 dB का, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसमें कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मुझे इतने सारे एट्रीब्यूट में कहीं फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, डिक्लेयर एट्रीब्यूट, ठीक है, इसी डिक्लेयर एट्रीब्यूट पर जाना है, और यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस आइकन है, ठीक है, यहाँ पर जाना है, इस प्लस जैसे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, आपको यहाँ फाइंड करने का ऑप्शन आ गया, देख रहे हैं यहाँ फाइंड करने का, हमको यहाँ पे ऑप्शन खुल गया, अब मुझे यहाँ जो भी चीज़ सर्च करना है वो मुझे मिल जाएगी। इसमें मान लीजिए मैं यहाँ फर्च कर रहा हूँ पैडिंग, देखिए पैडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, पैडिंग क्राफ्ट पैडिंग, पैडिंग पैडिंग बॉटम पैडिंग एंड पैडिंग लेफ्ट राइट स्टार्ट टॉप पैडिंग, इससे क्या होता है बहुत आसानी होती है, आसानी से आप इसको फर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप आया मैं और यहाँ पैडिंग फर्च कर लिया, ठीक है, और पैडिंग में क्या देना चाहते हैं, कितना dB देना चाहते हैं, ये सारे आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, 5 dB 10 dB कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आया 5 dB यहाँ पैडिंग दे दिया, और इससे मुझे क्या आसानी से मुझे मिल गया, ठीक है। इसी से मान लीजिए मुझे मुझे पैडिंग सर्च करना, तो पैडिंग सर्च कर सकते हैं, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर से देखिए यहाँ पर नया आ गया, यहाँ पर फिर सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसको करने के बाद आपको यहाँ फिर दोबारा आना है, और यहाँ पे फिर यहाँ प्लस क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पैडिंग का, इसे हम खाली मार्जिन देखिए, मार्जिन सर्च किए तो हमारे देखिए मार्जिन बॉटम एंड हमारा क्या होगा, सबके सब हमारे एट्रीब्यूट मिल गए, बहुत सारे एट्रीब्यूट इसमें हैं, आपको यहाँ पर सब एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो जब जरूरत पड़े तभी उसका आप यूज करें, ठीक है। यह होता है इसको सर्च करने का तरीका, आपको यहाँ पे इतने सारे मतलब जो भी एट्रीब्यूट हमारे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ कोर्स जैक कर दीजिए, ठीक है, कोर्स भी कर सकते हैं, इससे सब बेस्ट तरीके यहाँ होते हैं डिजाइनिंग से होता है कि आप आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट आपको याद करने की जरूरत नहीं, सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखे गए हैं, आपको इसमें जो भी मनपसंद मतलब एट्रीब्यूट यूज करना हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।